नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ गुडली सिंह। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और आज हम जानेंगे चुनाव के मुद्दे को लेकर जनता की राय। आइए जानते हैं हमारी जनता किसको वोट करना चाहती है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नूर आलम सिद्दीकी है। सर, आप किसको वोट करना चाहते हैं और आपको कौन सी सरकार से ज़्यादा सुविधाएं मिली और कौन सी सरकार को आप वोट करेंगे? मैं श्री अखिलेश यादव को वोट देना चाहता हूँ क्योंकि विकास, उनकी गवर्नमेंट में विकास हुआ है। बाकी यहाँ का आप देख सकते हैं क्या हाल है, रोडों का आप हाल देख सकती हैं, है ना। और मैं पेशे से दुकानदार हूँ, है ना। जीएसटी का मसला देख ही रही हैं आप, है ना। और आप ये देख ही रही हैं जीएसटी का मसला क्या है, है ना। जीएसटी से क्या हाल है लोगों का, है ना। हम दुकानदारों का क्या हाल है ना। उसको गवर्नमेंट से मैं श्री नरेंद्र मोदी जी से यही कहना चाहता हूँ, श्री योगी जी से यही कहना चाहता हूँ कि व्यापारियों के लिए जीएसटी को हटाया जाए, है ना। चलिए, थैंक यू सर। चलिए आइए, आपका क्या नाम है? हमारा इंद्रेश। किसको वोट करना चाहेंगे आप? कौन सी सरकार ने आपको ज़्यादा सुविधाएं दी हैं? अखिलेश भैया। क्या मतलब, उन्होंने क्या विकास किया, आप क्यों अखिलेश जी को वोट करना चाहते हैं? अखिलेश जी ने अच्छा काम किया है, बीजेपी ने कोई काम नहीं आज तक के किया है। चलिए ठीक है सर, क्या नाम है आपका? मैं आरजी मौर्य हूँ, गोमती नगर लखनऊ से। आप किसको वोट करना चाहेंगे? मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ। बीजेपी अच्छी सरकार आने वाली, पूर्ण बहुमत में ही सरकार बनेगी। बीजेपी अच्छा काम किया है, इसका मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ। जनता के प्रति जो भी काम किया अभी तक पूरी संतुष्टि है। अब ये तो अपनी अपनी राजनीति है, जो भी लोग इच्छुक हों उसको वोट करेंगे। मेरी अपना मानना है कि जो भी गवर्नमेंट कर रही है अच्छा कार्य कर रही है, इसके लिए मैं पूर्ण सहमत हूँ। धन्यवाद सर। क्या नाम है आपका? सर मुकुट पाल नाम है मेरा। किसको वोट करना चाहते हैं? समाजवादी पार्टी। क्यों उनको वोट करना चाहते हैं? हमारी 300 यूनिट बिजली फ्री करने वाली है। समाजवादी जो काम किया है कोई काम करके दिखाया भी नहीं है। रोजगार के मामले में इतनी बेकार सरकार है और पुरानी पेंशन बहाल करने वाली है समाजवादी पार्टी। 10 मार्च को 22 में समाजवादी पार्टी ही आएगी, आएगी पूर्ण बहुमत से आएगी। चलिए धन्यवाद। क्या नाम है आपका? जयंत विश्वकर्मा नाम है मैम। किसको वोट करना चाहते हैं? अखिलेश यादव को। क्यों वोट करना चाहते हैं? हमको बहुत अच्छे लगते हैं वो, और विकास के आगे में बहुत ज़्यादा विकास आदि हैं वो, विकास के मामले। और सरकार में विकास नहीं हुआ? इस सरकार में विकास नहीं हुआ कोई भी। हम लखनऊ, हम संत कबीर नगर के रहने वाले हैं, हमारे ना संत कबीर नगर विकास हुआ है ना मैं आया हूँ लखनऊ में, 3 से 4 दिन हुआ हमको लखनऊ में, विकास कुछ नहीं दिख रहा है ना। हमारा उत्तर प्रदेश इस समय विकास कुछ नहीं किया है जी। चलिए ठीक है, धन्यवाद। आइए, क्या नाम है आपका? रजनी सिंह यादव नाम है। किसको वोट करना चाहते हैं? समाजवादी पार्टी वोट देना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि वो विकास की और सबको एक साथ ले जाने की बात करते हैं। और सरकार में ये नहीं है? बिल्कुल नहीं। मैं बीजेपी का देख लीजिए, वहाँ पे धर्म की राजनीति ज़्यादा होती है। हाँ। और यहाँ हमारे यहाँ बख्शी तालाब क्षेत्र थे, मतलब विधानसभा से गोमती यादव को जिता के भेजेंगे। ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी, हम अम्बेडकर नगर के रहने वाले हैं, तब भी हम समाजवादी को इसलिए कर रहे हैं, बेरोजगार के मामले में बहुत बेकार सरकार है ये। और अम्बेडकर नगर में 5 सीट है, 5 पूर्ण बहुमत से सपा निखार रही है। और ये अभी इलाहाबाद में ये हुआ है बच्चों के साथ, बहुत रेलवे वाला जो रिजल्ट आया इसमें घोटाला बहुत हुआ है। और 69,000 शिक्षा भर्ती में इसमें आरक्षण ही खा गए OBC वालों का। इसलिए हम समाजवादी सपोर्टर हैं, सपोर्ट रहेंगे, पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी समाजवादी, कोई रोक नहीं पाएगा इसे। थैंक यू। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विश्वंभर श्रीवास्तव है। किसको वोट करना चाहेंगे आप? हम कमल को फूल को वोट देंगे। हाँ। उनके शासन में, योगी जी के शासन में विकास की गंगा बह रही है, रोड, सड़क, नौकरी सब चारों ओर सब ठीक ठाक है। और देश की पूरे विश्व में भारत का नाम भी उजागर हुआ है मोदी जी के कारण। हम लोग केवल महंगाई को नहीं देख रहे हैं, मोदी के विकास को देख रहे हैं, मोदी के नेतृत्व को देख रहे हैं, जिसके कारण विश्व में भारत का नाम रोशन हुआ है। महंगाई, नमक तेल तो रोज की बात है, लेकिन जो विश्व में भारत का नाम ऊंचा हुआ है, चीन पाकिस्तान आज भारत से डर रहे हैं, नहीं तो चीन ने कितना भूमि हमारी हड़प ली थी, मोदी ने उसको जो है मोदी के शासनकाल में, उनकी हिम्मत नहीं है। कश्मीर की समस्या हल किया उन्होंने, मोदी जी ने, तो मोदी जी के सहपर में हम लोग योगी जी को वोट देंगे। चलिए धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका?
सुनील तिवारी। किसको वोट करना चाहते हैं आप, किसका समर्थन करेंगे? जो विकास करेगा, जो काम करेगा, केवल उसी का, और किसी का नहीं। नहीं नहीं, जो विकास करेगा, कुछ नहीं, जो सही। तो आपको क्या लगता है कि किसने ज्यादा विकास किया है इस देश का? देश का कि प्रदेश का? हाँ हाँ, प्रदेश का। वही देश का तो बताइए। अभी तक तो किसी ने नहीं किया, किसी ने कोई विकास ही नहीं किया, कोई नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो आप किसी को वोट नहीं करना चाहेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो बताइए किसको वोट करेंगे? वो अभी नहीं बताएंगे, वो तो वक्त बताएगा। चलिए ठीक है। क्या नाम है सर आपका? जी योगेंद्र प्रजापति। आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करेंगे, किसको सरकार बनाना चाहेंगे? देखिए, पिछली बार सरकार हम लोग मिलजुल के बनाए थे कि बीजेपी को ही सपोर्ट किया गया कि विकास होगा, सारी चीज़ें होंगी। हम लोग जो है तैयारी करते करते थक गए, पता लगा वैकेंसी 5 साल पहले आई थी, अभी तक कुछ ही नहीं हुआ है। तो सबसे चीज़ देखा गया कि हम लोग यार युवा हैं, अगर हम लोग को रोज़गार नहीं मिलेगा तो हम क्यों सरकार उसको बनाएंगे। इसलिए इस बार जोरों के साथ सपा आएगी, फुल सपोर्ट है युवाओं का, और आएगी। जो वैकेंसियाँ अभी रुकी हैं सब क्लियर होंगी, फिर से वैकेंसी भी आएंगी। और ये नमामि गंगे और ये रोड जो दिखा रहे हैं ना, केवल एक जगह जो भी डेवलप किए हैं वही बार बार दिखाते हैं, आप लोग भी ऐसे दिखाते हैं। इसलिए भाई अब दोबारा गलती नहीं करनी है, सपा ही आना है। और आप देख रहे होंगे लखनऊ का विकास, जो भी इन्वेस्टर आए थे वो वहीं रुक गए हैं। अगर कैंसर इंस्टीट्यूट को देखें तो 2018 में तैयार हो जाना था, आज वो वहीं रुका हुआ है। तो क्या क्या मतलब, ऐसी सरकार लाने से कोई मतलब ही नहीं है। वहाँ भी क्या कम से कम 5,000 जो है वैकेंसियाँ आती, SCL है उसमें भी 5,000 कम से कम आते लोग, लेकिन वही है कि सारा विकास रुक गया। भैया आप फंडिंग नहीं करोगे, आप अपनी देखोगे, पूर्वांचल कहोगे, पूर्वांचल तो ऐसी धज्जी उड़ी है कि लोग वहाँ एक्सीडेंट हो रहा है, अभी भी जो रोड बने हो सब बैठ गए हैं, तो फिर विकास क्या होगा? दोबारा इनको नहीं लाना है, सत्ता पलट होगा, आएगी इस बार पूर्ण बहुमत से सपा सरकार। चलिए धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? विजय। किसको आप वोट करना चाहते हैं? आप किसको चाहती हो? देखिए, हम तो सिर्फ जनता की राय पूछने आए हैं यहाँ, हम ये नहीं बताने आए हैं। चलिए बताइए। समाजवादी पार्टी। क्यों उनको वोट करना चाहते हैं आप? इसलिए क्योंकि अगर बाबा आज की डेट में बिना सिक्योरिटी के बाहर निकल जाए तो जनता बता देगी कि उनकी क्या विकास है और क्या उनकी शासन है। बाबा को भेज दो, अमित शाह को भेज दो, देखो कैसे जनता कुटाई करती है इनकी। कब्रिस्तान के अलावा अभी भी मुद्दा उठा रहे हैं कब्रिस्तान का। मैं कहता हूं भाजपा के जो भक्त हैं, अन्य भक्त, वो जाएं मंदिर इलाज के लिए, डॉक्टर के पास ना जाएं, श्री राम का मंदिर बन रहा बैठ जाए, दरिद्रता खत्म करें अपनी। विकास समाजवादी पार्टी ने किया था, इस बार सरकार बनेगी तो विकास देख लेना उत्तर प्रदेश, और देख लेना आप वहाँ केंद्र में भी समाजवादी पार्टी जाएगी और पूरे देश को खुशहाल बनाएगी। और मीडिया सबसे पहली चीज़, आप लोगों को धन्यवाद जो आप लोग पब्लिक प्लेस में जाके सही दिखाते हो, ना तो पूरी मीडिया चाटुकारिता कर रही। और सच बता दूं कसम से, अंजना अंजना वो मिल जाए तो ऐसी कुटाई करूं उन लोगों की। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम गीता मिश्रा है। किसको वोट करना चाहेंगी, कौन सी सरकार बनाना चाहेंगी आप? कमल को वोट देना चाहते हैं, कमल सरकार बने। काल कोरोना में उसने इतना वैक्सीन दिया, इतना सबको राशन दिया, इतना सुरक्षा किया, अब और क्या ले लेंगे भाई। कमल आए और बाबा जी जीते, मेरे तरफ से तो लाख लाख बधाइयाँ यही है। और शिक्षा को लेके आप क्या कहना चाहेंगी? शिक्षा भाई, जब इतना काल कोरोना है तो बच्चों को अगर शिक्षा देने के लिए भेजेंगे और इतना इतना हादसा हो रहा है तो फिर क्या होगा? जब जब ये महामारी बंद होगी तब शिक्षा भी होगा। नाम है मैम आपका? मीना उपाध्याय। किसको वोट करना चाहती है, कौन सी सरकार को आप लाना चाहती हैं? देखिए, इस कोरोना काल में जिसने भी हमारा इतना साथ दिया है, ऑफकोर्स हम उसी पार्टी को लाना चाहेंगे, है ना। और कोई पार्टी को तो ये भाई इस विषम परिस्थितियों में उसी ने हमारा साथ दिया है, बीजेपी, तो हम उसी को सपोर्ट करेंगे। शिक्षा को लेकर आप क्या कहना चाहेंगी इसमें? भाई, उन्होंने शिक्षा को भी महत्व दिया है, इतनी नौकरियां, इतना हर तरह के जो सपोर्ट वो कर रहे हैं मोदी जी, हर तरह से वो परफेक्ट है करने के लिए। शिक्षा पे भी उन्होंने बहुत ध्यान दे रहा है।
लड़कियों की किस तरह से मतलब ये सेफ हैं, कैसे क्या है, अनाज पे हर चीज़ पे उन्होंने ध्यान दिया है कि कोई भी गरीब भूखे ना मरे, है ना, हर चीज़ का वो है। तो इसलिए हम तो ऑफकोर्स उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। चलिए, धन्यवाद।